ये आपके एल साहब मेरे सामने खड़े हैं, क्या नाम आपका? केपी गोस्वामी, ठीक है ना। ये कह रहे सर मैंने वैल्यूएशन करके सब करके वहाँ दे दिया है, अब इतनी अच्छी गौशाला बनी, मैंने इसको पूरे को विजिट किया है, केवल इसमें पंखे नहीं है। तो सरपंच अब जेब से कितना लगाएगा भाई अपना, उसको कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा, तब तो पंखे लगवा पाएगा। गौशाला के अधूरे निर्माण पर कलेक्टर ने व्यक्त की नाराजगी, एक सप्ताह में मूल्यांकन करवाकर शीघ्र भुगतान करें। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बिरसा जिले के पठारी में लगभग 38 लाख रुपए की लागत से गौशाला का निर्माण कराया गया है, जिसमें लगभग अभी 25 लाख रुपए का भुगतान हो पाया है और 13 लाख रुपए का भुगतान नहीं होने पर कलेक्टर उमा शंकर भार्गव ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए एक सप्ताह में मूल्यांकन करवाकर शेष भुगतान के निर्देश गौशाला के निरीक्षण के दौरान दिए हैं। गौरतलब है कि पूरा भुगतान नहीं हो पाने के कारण गौशाला का निर्माण अधूरा बना हुआ है, इसमें सरकार की मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। कलेक्टर ने 15 दिन के अंदर गौशाला का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश जनपद सीईओ को दिए हैं। नगर में दूसरी जन सहयोग से संचालित गौशाला का कलेक्टर उमा शंकर भार्गव ने निरीक्षण किया एवं समिति सदस्यों को बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा जन सहयोग से जो गौशाला संचालित हो रही है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाइयां दी एवं जो भी शासन प्रशासन से मिलने वाले सहयोग लिए वह पूरी तरह तत्पर तैयार रहेंगे, जब भी समिति को जो भी जरूरत पड़े वह मुझसे मिल सकता है, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा गौ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहले की रिपोर्ट, बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। ये आपके एल साहब मेरे सामने खड़े हैं, क्या नाम आपका? केपी गोस्वामी, ठीक है ना। ये कह रहे सर मैंने वैल्यूएशन करके सब करके वहाँ दे दिया है, अब इतनी अच्छी गौशाला बनी, मैंने इसको पूरे को विजिट किया है, केवल इसमें पंखे नहीं है। तो सरपंच अब जेब से कितना लगाएगा भाई अपना, उसको कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा, तब तो पंखे लगवा पाएगा। इन्होंने इतना कहना है, इन्होंने वैल्यूएशन कर दिया है, वैल्यूएशन करके जनपद में दे दिया है, ये इनसे बात इस आप इसको वेरीफाई करें, इनसे बात कर लो, इसको बात देख लो, 9 के पहले पहले लगवा देंगे, लेकिन आप 9 तक इसका वैल्यूएशन करके इसका भुगतान करो। मैं इनको बोल के जा रहा हूँ कि गर्मी आ रही है, सारे लोग इसी धूप में खड़े हैं, अब गर्मी में धूप में कैसे रहेंगे बेटी, कल को दो चार जानवर मर जाएंगे, गन्ने देने पड़ेंगे मेरा आपको। वही देखो सेकेंडरी साहब कितने बंके लग रहे हैं इसमें, देखो मेरी बात सुनो, ये 37 लाख की गौशाला है, आपको भुगतान कितना हो गया अंदर? 22 हुआ। पर्सनल करके सर इन्होंने मंडी से गांव से अपना पर्सनल करके छोड़ दिया।